काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में आतंकियों को चिताते हुए कहा कि इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि हम ये भूलेंगे नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, हम चुन चुनकर शिकार करेंगे। हम अफगानिस्तान में रह रहे हैं, अपने अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, साथ ही अपने सहयोगियों को भी निकालेंगे। बता दें कि इस हमले में 13 US कमांडो समेत अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति बाइडेन ने स्पीच कहा कि हमारा मिशन जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त अमेरिकी फौज को फिर से अफगानिस्तान भेजेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसराइल के नए प्रधानमंत्री के बीच होने वाली पहली बैठक का कार्यक्रम टाल दिया था। अफगान शरणार्थियों के विषय पर गवर्नरों के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को रद्द कर दिया गया था। हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमलावरों को माफ नहीं किया जाएगा।